हेलो एवरीवन, फियोना बुटीक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बेबी गर्ल का शरारा बता रही हूँ। इससे पहले मैंने गरारा बताया था, अब ये मैं शरारा बता रही हूँ। ये औरेब शरारा है। शरारा औरेब ही बनता है। ये 2 साल की बच्ची के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये हम तिकोना कपड़ा लेते हैं और उसको पहले डबल लेते हैं, फिर तिकोना कर मोड़ते हैं, तो ये चारतह बन जाती है। ये कपड़ा क्या होता है? औरेब होता है। तो हम इसमें 3 नाप लेते हैं, लंबाई, हिप और कमर। अब हम इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, इसका नाप निकालते कैसे हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। लंबाई निकालेंगे पहले। लंबाई में 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। 18 लंबाई है, इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19.5। तो हम जब लंबाई लेंगे तो कितनी लेंगे? 19.5। कितनी लेंगे हम? 19.5 लेंगे लंबाई, 19.5 इंच। ये तो हमारी लंबाई हो गई। अब हम इसमें कमर का माप निकालेंगे। कमर का 1/4 भाग प्लस 3 इंच उसमें लूज डालेंगे। कमर हमारी 16 है, 16 का 1/4 भाग 4 आ जाएगा प्लस 3 इसमें लूज का डालेंगे तो कमर हो जाएगी हमारी 7 इंच। इसके बाद इसमें आसन निकालेंगे। आसन जो है हमारा हिप से निकालते हैं हम आसन को। आसन हिप का 3/3 भाग प्लस 1 इंच सिलाई का, 18 का 3/3 भाग प्लस 1 इंच सिलाई का, 18 का 3/3 भाग 6 इंच हो गया प्लस 1 तो 7 इंच हमारा आसन आ गया 7 इंच। ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाला ड्रेस है। टॉप का जो माप है मैं आपको ग्राफ दे चुकी हूँ गरारे में, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगी। तो बहुत आसान है। अभी मैं आपको पेपर कटिंग करके भी समझा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा माप है। ये मैं आपको पेपर कटिंग बताती हूँ शरारे की। ये मैंने डबल लिया है, देखिए डबल लिया है, 24x24 का लिया है डबल। अब हम इसको एक बार और मोड़ देंगे तिकोना। ये मैंने मोड़ दिया है तिकोना। अब यहाँ से जो ये कोना है, यहाँ से हम कमर लेंगे और पूरी कमर से फिर हम लंबाई लेंगे। अब यहाँ हम कमर लेंगे, हमारी कितनी इंच की कमर है? 7 इंच की कमर है। देखिए ये 6.5, ये 7। अब ये जो निशान है ये हमारा सीधा होना चाहिए। ये हम एकदम सीधा निशान लेंगे। ये हमारा कमर का निशान आ गया, ये कमर का निशान आ गया। अब यहाँ से हम आसन लेंगे। आसन हमारा है 7 इंच, ये आ गया ये 7 इंच। ये हमारा गया आसन, आसन हो गया। अब आसन को हम हल्की ये गोलाई कर, ये हो गया हमारा आसन। अब यहाँ से हम ये लंबाई हमारी पूरी आ गई। अब यहाँ से हम यहाँ नापेंगे। ये मैं आपको इससे मेजर टेप से बता देती हूँ, अंदाजे से गोलाई करने का ला। यहाँ से हम लेंगे, ये हमारा ये निशान है, इसको यहाँ उंगली रख के हम इसको ऐसे घुमाते हुए चले जाएंगे। अब इसको हम यहाँ से पेन से ये हमारा नीचे घेरे का निशान आ गया, ये हमारा आसन आ गया है और ये कमर आ गई है। अब ये हम इसको कट कर देंगे। ये हम पहले ये घेरा कट कर देंगे। ये हमारी कमर,
ये हमारी कमर है, ये मेन सेंटीमीटर में आपको बताया, ये देखिए ये हमारा हो गया शक्ति, एक पैर ये हो गया और एक लेग ये, वन लेग और ये टू, ये हमारी दो लेग्स हो गए, ये हो गया हमारा। और इसके ऊपर हम ये अब तो हम बेल्ट लगा देंगे इसके नाप से ही, जब हम इसको सिल देंगे ये ऐसे करके सिल के आ जाएगा और यहाँ हमारी बेल्ट हो जाएगी, उसमें इलास्टिक आ जाएगी। ये हमारा गरारा हो गया, शरारा हो गया सॉरी, ये ऐसे करके ऐसे, ये हमारी पेपर कटिंग बताइए। अभी मैं आपको कपड़े पर भी कटिंग करके बताऊंगी और सिलाऊंगी।
हूँ।